देखो बच्चों, ये फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ जो 7 नंबर चैप्टर है, क्लास 5th में आखिरी पॉइंट है, और इसमें कंपटीशन में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुनो, ये हमने लिखा ट्राइबल्स। ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? आदिवासी। क्या बोलते हैं इनको? ध्यान से सुनो, ध्यान से, आदिवासी। ऐसा लिखा हुआ है कानून में कि जो इंसान किसी भी जंगल में 25 साल तक रह रहा है, 25 साल से, कितने साल से? 25 साल से लगातार जिस जंगल में कोई इंसान रह रहा है, या जो पब्लिक रह रही है, ट्राइबल्स रह रहे हैं, वो जंगल उनका कहलाता है। वो जंगल किनका कहलाएगा? जो 25 साल से उस जंगल में रह रहा है, उसका मालिक वो ही होंगे उस जंगल के। ये एक्ट में लिखा, फॉरेस्ट एक्ट 2007 में लिखा हुआ है, सरकारी नियम बना हुआ है कि जो इंसान किसी भी जंगल में 25 साल तक लगातार रह रहा है, वो जंगल उसका है। जैसे तुम किसी घर में रह रहे हो, तो वो घर तुम्हारा, इसी तरीके से वो घर कहलाता है। समझ में आया? ट्राइबल्स जो होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, वो हमेशा कहा रहते हैं, लिव इन फॉरेस्ट। जैसे पहले कौन रहता था? अर्ली ह्यूमन लोग रहते थे, इसी तरीके से ये फॉरेस्ट में रहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी, इनकी लाइफ स्टाइल अलग है। वो पुराने जमाने के थे जब बनी थी यानी दुनिया, ये नए जमाने के हैं। इन पे हर सुविधाएं हैं, अपना यानी व्यवसाय करने का साधन भी है इनके पास, व्यवसाय करने का साधन भी है। ये क्या करते हैं? अपनी व्यवसाय के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए मैट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बांस की चटाइयां बनाते हैं, और चटाइयों को खरीद फरोख्त करते हैं, मार्केट में जाते हैं, बास्केट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टोकरियां बनाते हैं, ड्रम्स। ड्रम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बजाने वाले, ढोल वगैरह, ये भी बनाते हैं। नहीं आए समझ में? आ रही है? फ्लूट, ये बता चुका हूँ, बांसुरियां बनाते हैं ये, और बाजार में बेचते हैं अपनी जिंदगी यानी बिताने के लिए कमाई करते हैं, अर्निंग का सोर्स है इनका। और यानी यूटेंसल, यूटेंसल बनाते हैं। यूटेंसल मतलब क्या होता है? बर्तन बनाते हैं, और वहां पर दवाइयां मिलती हैं, उनको बेचते हैं। लीफ प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीफ प्लेट, पत्तल, ये बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ये चीज बनाते हैं, क्या जंगल में रहते हैं, मैट्स बनाते हैं, ये टोपियां बनाते हैं, ड्रम्स बनाते हैं, फ्लूट बनाते हैं, यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाते हैं, मेडिसिन बनानी मिलती है वहां पर, और लीफ प्लेट पत्तले बनती हैं। इसके बाद उन्होंने एक नियम बना दिया 2007 में कि कोई भी पेड़ को नहीं काटेगा, जंगल के पेड़ को नहीं काटेगा, सरकारी नियम बन गया, ऐलान हो गया। उसके लिए बहुत सारे आंदोलन करे थे लोगों ने। पहला आंदोलन होता चिपको मूवमेंट। क्या हुआ था? ये जनरल नॉलेज का सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी कि चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया? बोलिए, सुंदरलाल भोगड़ा ने ये यानी शुरू किया था। जो भी पेड़ काटने आते थे उससे चिपक जाते थे ऐसे कि नहीं काटोगे, समझ रहे हो? उसके बाद दूसरा हुआ वन महोत्सव, ये के.एम. मुंशी ने शुरू किया था। के.एम. मुंशी,
1950 में शुरू करा था। इसमें भी यही है कि हरे भरे पेड़ को ना काटा जाए, हरे भरे पेड़ को एक आदिवासी ट्राइबल्स में एक नियम यह भी है, मैती मूवमेंट, मैती आंदोलन। ये क्या है? जब लड़कियों की शादियां होती है, क्या होती है लड़कियों की शादियां, तो लड़की के घर पर एक पौधा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पौधा लगाया जाता है। जिस दिन लड़की की शादी होगी उस दिन एक पौधा लगाया जाएगा, पता हो जाएगा ये पायल की शादी थी, पायल की शादी पे ये पौधा लगा था। समझ में आया सबके? Yes, इस तरीके से बहुत सारे पौधे जंगल में हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।